Bismillahirrahmanirrahim. It's me, Iqra Seth Abbasi. I am a clinical psychologist. Welcome back to my channel. So this is the second video of my short course on psychology. And in this video, we are going to talk about how a psychologist or a psychiatrist takes the history of a patient. पहले मैं आप सबको एक बात क्लियर कर दूं कि आज जो हम हिस्ट्री लेने जा रहे हैं वो हिस्ट्री मैंने अपनी खुद से डेवलप नहीं की, बल्कि मैं वो केस हिस्ट्री आप लोगों को बताने लगी हूँ जो हमारी हॉस्पिटल सेटिंग्स में यूज़ होती है, और उसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे मैं उसी बुकलेट से कवर करूँगी। और वो बुक जिस पे हम केस हिस्ट्री लेते हैं वो कुछ इस तरह से होती है। टेबल ऑफ कंटेंट पढ़ेंगे, वो भी हम एक शॉर्ट बुक से पढ़ेंगे जो हॉस्पिटल सेटिंग्स में ही यूज़ होती है। पेशेंट आता है तभी आप अपनी बुकलेट ओपन करते हैं। सबसे पहले आपने कॉर्नर में, जैसे मैंने आपको दिखाया भी, वहाँ पे आपने डेट लिखनी है। डेट लिखने के बाद आपने लिखना है कि हिस्ट्री कौन ले रहा है। अगर आप ले रहे हैं तो आपने लिखना है हिस्ट्री बाय साइकोलॉजिस्ट, फॉर एग्जांपल साइकोलॉजिस्ट इकरा सईद। तो उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमारे पास डेमोग्राफिक डिटेल्स हैं। डेमोग्राफिक डिटेल्स को हम फर्दर पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, हमने लिखना है कि पेशेंट का नेम क्या है। सेकंड, एज। थर्ड, मैरिटल स्टेटस। नंबर फोर पे आपने लिखना है ऑक्यूपेशन क्या है। एंड नंबर फाइव पे आपने लिखना है रेजिडेंस या कौन सा एरिया या एड्रेस क्या है उसके घर का। क्योंकि ये चीज़ें पूछने का मकसद यह होता है कि जब आप रेजिडेंस का पूछते हैं तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली एक इमेज बन जाता है कि ये किस एरिया से बिलोंग करता है, वहाँ पे कौन कौन सी बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और कौन सी अवेलेबल नहीं है। तो हिस्ट्री पूछने का मकसद कि वो आपको एक इमेज बना के आपके माइंड में देता रहता है कि पेशेंट के साथ क्या हो सकता है और क्या हुआ होगा। तो छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, इसीलिए एक एक पॉइंट को आपने नोट डाउन करते जाना है। मोड ऑफ रेफरल क्या है। मोड ऑफ रेफरल में आपने लिखना है कि पेशेंट को हॉस्पिटल क्यों लाया गया और पेशेंट को एडमिट क्यों किया गया है, और उसकी डेट भी आपने साथ मेंशन करनी है। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है सोर्स ऑफ रेफरल, यानी कि आप उसको क्या किसी डॉक्टर ने रेफर किया है, अगर किसी डॉक्टर ने रेफर किया है तो किन वजूहात की बिना पे किया है। तो फर्दर हम डिटेल जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि हमने इस चीज़ को क्यों पूछा और इसको हमने कहाँ पे लिंक करना है। अगर पेशेंट डायरेक्ट ओपीडी में आता है तो हमें पता चल जाता है कि इतना सीरियस इश्यू नहीं है। अगर उसको ईआर से रेफर किया जाता है तो हमें पता चल जाता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस है और इस पे इसी वक्त काम करने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे आप लिखते हो कि ओपीडी में आया है या फिर एमरजेंसी केस आया है। लिखनी होती है सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है वो पेशेंट खुद दे रहा है। अगर पेशेंट खुद देता है तो वहाँ पे आप पेशेंट का नाम लिखोगे। अगर पेशेंट का कोई इन्फॉर्मेंट देता है तो वहाँ पे हम उसका नाम लिखेंगे और हम देखेंगे कि उसका पेशेंट के साथ क्या रिलेशन है, वो भी हम वहाँ पे मेंशन करेंगे। करने का मकसद यह है कि ऑब्वियसली अगर उसके कोई पेरेंट्स में से है तो उसके बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन देगा। अगर कोई चाचू वगैरह है या कोई कज़न वगैरह है तो उसको इतनी इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं पता होगा। तो वहाँ पे फिर हम कोशिश करते हैं कि हम पेशेंट को मज़ीद से मज़ीद एक्सप्लोर कर सकें। जो पॉइंट्स रह जाते हैं तो उसको हम कहेंगे किसी ऐसे पर्सन को भेजें जो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रखता हो, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री लेने का। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में आप ओपन एंडेड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हो और आप पेशेंट से सवाल करते हो कि अस्पताल कैसे आना हुआ। तो जब आप ओपन एंडेड सवाल करते हो तो वो फिर ऐसा ऐसा आपसे बात करना शुरू करता है। तो जितनी अच्छी और स्ट्रांग आपकी रेपो बिल्डिंग होगी उतना ही अच्छे से आप पेशेंट की हिस्ट्री ले सकते हैं। रेपो बिल्डिंग क्या होती है उस पर भी किसी सेशन में इंशाल्लाह बात करेंगे। अच्छा, उसके बाद आपने ऐसा ऐसा जो है वो सिम्टम्स पूछना शुरू करने हैं। आपने वो सिम्टम्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। लाइक अगर फॉर एग्जांपल बुखार था चार दिनों से, सबसे ऊपर आ जाएगा चार दिनों से बुखार। उसके बाद अगर पिछले दो दिन से नींद खराब है तो उसके बाद नींद का जो मसला है वो हम लिखेंगे। उसके बाद अगर कोई रिस्पायरेटरी इश्यू है तो लास्ट नाइट से है, तो फिर थर्ड पे हम वो लिख देंगे कि रिस्पायरेटरी इश्यू यानी सांस लेने की बीमारी, सांस लेने में दुश्वारी। तो हाँ, यहाँ पे एक बात आपने नोट करनी है
कि पेशेंट जिस जबान में आपको बता रहा है उसी जबान में आपने ये प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स लिखनी है। बाकी आप अपने वर्डिंग में लिख सकते हैं, लेकिन जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हैं वो आपने पेशेंट की लैंग्वेज में ही लिखनी है। कोशिश करें कि आसान से आसान उर्दू का इस्तेमाल करें, क्योंकि आप अभी नहीं जान रहे कि वो पेशेंट का बैकग्राउंड क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है। तो जितने आसान अल्फाज इस्तेमाल करेंगे उतनी ही पेशेंट के साथ आपकी रैपो अच्छी बिल्ट होगी, जितनी अच्छी रैपो बिल्ट होगी उतना ही ज़्यादा आप उसको एक्सप्लोर कर पाएंगे और ट्रीटमेंट में उतनी ही आपके लिए आसानी होगी। ये सारे पॉइंट जो हैं वो इतने मिक्सअप करके नहीं लिखने के बाद में आपको ही ना समझ आ रही हो कि आपने लिखा क्या था और पेशेंट ने बोला क्या था। तो आपने छोटे छोटे पॉइंट्स में ये सारी चीज़ें प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स वाले बॉक्स में लिख लेनी है कि हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस हमने कैसे एक्सप्लोर करनी है। जितनी भी उसने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स बताई हैं उसको हमने एक एक करके एक्सप्लोर करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने उससे पूछना है कि सबसे पहले आपने अपने अंदर तब्दीली कब महसूस की थी। फॉर एग्जाम्पल अगर वो मिजाज की बात करते हैं तो आपसे पूछना है कि सबसे पहले आपका मिजाज कब खराब हुआ था, और उस पहले पॉइंट से लेकर हॉस्पिटल में एडमिशन तक की आपने सारी हिस्ट्री पूछनी है। सबसे पहला पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो हम उससे पूछते हैं कि प्रेसिपिटेटिंग इवेंट क्या था। क्या जब आपकी बीमारी की अलामत जाहिर होती हैं तो उससे पहले कोई इवेंट होता है, कोई परेशानी होती है, कोई आपको सोच आती है, या फिर ऐसा कुछ नहीं होता या अचानक से आपको शुरू हो जाता है? क्योंकि अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके साथ, फॉर एग्जाम्पल चाइल्डहुड ट्रॉमा है, आपको उसके बारे में नहीं पता लेकिन कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस में वो चल रहा होता है और वो आपके प्रेजेंट में कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर को, आपके एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है लेकिन आप उसके बारे में अवेयर नहीं होते, तो फिर वहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट आपकी आपके अनकॉन्शियस को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। सेकेंड पे आपने देखना है कि ऑनसेट ऑफ इलनेस क्या है। क्या ये बीमारी ग्रेजुअल होती है या फिर इंसीडियस है, अचानक होती है या फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट शुरू होती है। थर्ड पॉइंट पे हमने देखना है कि कोर्स ऑफ इलनेस क्या है, क्या कॉन्टिन्यूस है, एपिसोडिक है या फिर अटैक्स होते हैं। कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जो कॉन्टिन्यूस होते हैं, कुछ एपिसोडिक होते हैं और कुछ अटैक्स की फॉर्म में होते हैं। कौन से डिसऑर्डर कॉन्टिन्यूस होते हैं, कौन से एपिसोडिक होते हैं, वो हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में पढ़ेंगे, और जो फर्दर में वीडियोस अपडेट करती रहूंगी उसमें बताती रहूंगी कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स कॉन्टिन्यूस होते हैं, कौन से एपिसोडिक और अटैक्स की फॉर्म में होते हैं। पेशेंट बताता जा रहा है वो आपने सीक्वेंस में लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 महीने पहले क्या मसला था, 2 महीने पहले क्या था, 1 महीना पहले क्या था, और अब प्रेजेंट में क्या है, लास्ट नाइट से क्या सूरत हाल है, या आखिरी 3 दिनों से 4 दिनों से क्या सिचुएशन है। क्योंकि कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं या एपिसोड्स होती हैं वो लेती हैं 4 डेज भी लेती हैं, 1 वीक भी लेती हैं, 2 वीक्स भी लेती हैं। तो आपने बहुत ज़्यादा अच्छी ऑब्जर्वेशन रखनी है अपनी, या अगर कोई पेशेंट है उसकी, ताकि आप जो है वो एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करने के साथ साथ अपने सीनियर्स को एक्सप्लेन भी कर सकें। आपने ये भी पूछना है कि उस मसले की वजह से आपकी डेली लाइफ पे क्या असर होता है, तो ये पॉइंट भी आपने लाजमी पूछना। नेक्स्ट हमने एसोसिएटेड इम्पेयरमेंट्स यानी बायोलॉजिकल फंक्शंस के बारे में पूछना है। मिसाल के तौर पर आपकी नींद कैसी है, अगर वो कहता है कि नींद अच्छी नहीं है तो कितने टाइम से अच्छी नहीं है वो आपने मेंशन करना है। भूख लगती है या नहीं, कितने टाइम से नहीं लग रही, वो आपने मेंशन करना है। अच्छा, वॉशरूम जाने के इश्यूज तो नहीं है, और आपने ये बात भी पूछना है कि वो ज़्यादा पानी तो नहीं पी रहे, हो सकता है ज़्यादा पानी पीने की वजह से वो ज़्यादा वॉशरूम जाते हों, या फिर आपने पूछना कोई और डिजीज़ तो नहीं है, लाइक अगर डायबिटीज़ है तो उसकी वजह से भी आपका वॉशरूम इश्यूज़ आ सकते हैं। उसके अलावा आपने रिस्पायरेटरी इश्यूज़ पूछने हैं कि सांस लेने में दुश्वारी तो नहीं आती। उसके अलावा आप क्रिमिनल हिस्ट्री पूछते हैं कि कभी जेल जाने का इत्तेफाक तो नहीं हुआ, अगर गए हैं तो क्यों गए थे, क्या वजह हुई थी, किस वजह से हुआ था, और पुलिस का क्या रद्द अमल था। तो ये सारी चीज़ें आपने आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करनी है कि पेशेंट का प्रोफेशनल लाइफ में कैसा रिलेशन है, सोशल लाइफ में रिलेशन कैसा है, मैरिटल इश्यूज़ तो नहीं है उसके साथ, और अगर जब कोई बीमारी आती है तो उस वक़्त इनका अंदाज कैसे हो जाता है, उसके साथ साथ जो है वो जिम्मेदारियां घर की निभा सकते हैं या नहीं, ज़िंदगी के फैसले आराम से ले लेते हैं या फिर उनमें दुश्वारी पेश आती है। तो एक एक चीज़ आपके एक एक डिसऑर्डर्स का सिम्टम्स बनती जाती है, तो एक एक पॉइंट आपने लाजमी पूछना होता है। जो प्रेजेंट इलनेस है उसके लिए आपने कोई मेडिसिन तो नहीं ली, या फिर किसी डॉक्टर ने आपको ECT तो नहीं लगाई,
और अगर मेडिसिन लिया है तो कौन सी लिया है, कितने टाइम से ले रहे हैं, कौन से डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी, उसके अलावा किसी हकीम से तो कोई दवाई नहीं ले रहे, या फिर मूड स्टेबलाइजर की कोई दवाई तो नहीं ली पिछले कुछ टाइम से। तो ये सारी चीज़ें आपने ट्रीटमेंट हिस्ट्री में पूछनी है। उसके बाद आप पूछते हैं कि पास्ट साइकाइट्रिक हिस्ट्री क्या है। साइकाइट्रिक हिस्ट्री को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक प्रीवियस मेंटल इलनेस और सेकेंड पे हम लिखते हैं ऑल साइकाइट्रिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो प्रीवियस हिस्ट्री में आपने लिखना है कि स्लीप का इशू तो नहीं रहा, और उसके अलावा भूख का मसला तो नहीं रहा, रिस्पायरेटरी इश्यूज तो नहीं रहे, डाइजेस्टिव इश्यूज तो नहीं रहे, और उसके लिए आपने ट्रीटमेंट कौन सा लिया, कितने अरसे तक के लिए लिया, कौन से हॉस्पिटल से लिया, कौन सा डॉक्टर था, तो ये सारी चीज़ें आपने पूछनी है। और साइकाइट्रिक डिस्टर्बेंसेज में आपने पूछना है कि जब जब ये इशू आए थे तो आपने मेडिसिन ली थी या नहीं, अगर नहीं ली तो क्यों नहीं ली, उसकी क्या वजह थी, क्या किसी ने आपकी उस टाइम पर हेल्प की थी या नहीं की थी, या खुद ही हेल्प लेना नहीं जा रहे थे। तो पास साइकाइट्रिक डिस्टर्बेंसेज में ये सब चीज़ें लिखनी है। अगर आपने पेशेंट से पूछना है, अगर पेशेंट को नहीं समझ आ रही तो आपने उसको कहना है, उसके इन्फॉर्मेंट को कहना है कि वो पुरानी रिपोर्ट्स आपको ला के दे दे, आपने रिपोर्ट्स पढ़ लेनी है, रिपोर्ट्स में आपको किस डॉक्टर ने चेक किया, कौन सी मेडिसिन दी थी, ECT लगाई या नहीं लगाई, और स्पेसिफिकली डिसऑर्डर्स क्या था, डिसऑर्डर उसको क्या था, उस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये बेस्ट तरीका है कि आप उसको कहें कि वो आपको प्रीवियस रिपोर्ट्स जो है वो लाकर दिखा दें।